किसी भी व्यक्ति को अगर आप सजा सुना रहे हैं, उस समय कौन सा कानून था, आप सजा उसको उसी आधार पर सुनाएंगे। 3 साल बाद सरकार ने एक नियम पास कर दिया, 40 साल की सजा हो, क्या उसे सजा होगी 40? एक्स पोस्ट फैक्टो, ये टेक्निकल चीज है। देखिए इसका मतलब है, आप समझिए, एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप सजा सुना रहे हैं तो आप अपराध करते समय क्या कानून था, अपराध जब किया वह व्यक्ति उस समय कौन सा कानून था, आप सजा उसको उसी आधार पर सुनाएंगे। अब जैसे आज के वक्त में चोरी की सजा नॉर्मल 2-2.5 साल की सजा है, लेकिन अगर आप चले जाएंगे चोरी की सजा शेर सासुरी के समय तो हाथ में काट देगा वो, तो क्या आप काट दीजिएगा उसका हाथ? नहीं। या अगर कोई व्यक्ति पकड़ा गया चोरी करते वक्त और आज चोरी की सजा 2 साल है, लेकिन उसको कानून में कोर्ट में केस लड़ते लड़ते 3 साल हो गया, केस लड़ते लड़ते 3 साल बाद सरकार ने एक नियम पास कर दिया कि नहीं अब चोरी करने के लिए आपको 40 साल की सजा होगी, तो क्या उसे सजा होगी 40 की? नहीं। अपराध जिस समय व्यक्ति किया उस समय के पहले या उस समय के बाद के बने कानून उस पर लागू नहीं होते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक्स पोस्ट फैक्टो, समझ में आ गया कि नहीं गया? आपको इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मिलेगा, मतलब एकदम जघन्य अपराध हुआ था 2012 में, दामिनी की हत्याकांड, ठीक है? तो उसमें जितने अभियुक्त थे उन्हें तो फांसी लग गया, 1 साढ़े 17 साल का था, समझ में आ गया? वो छूट गया केवल 3 साल पर, उस जो बलात्कारी थे उसमें हत्या भी कर दिया था बाद में, तो उसमें 1 साढ़े 17 साल का था, बट वो 6 महीना के वजह से एडल्ट नहीं हुआ था, तो उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में डाल दिया गया। जुवेनाइल कोर्ट में अधिकतम सजा 3 साल की है, ये बताइए, वो 6 महीने कम होने की वजह से उसने इतनी बुरी अपराध करके भी बच गया। लेकिन उसके बाद जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन किया गया, जस्टिस वर्मा कमेटी ने कहा कि आप वोट डालने के लिए या आधिकारिक कार्य करने के लिए 18 साल पर आप एडल्ट यानी बालिग होते हैं, लेकिन अगर आप अपराध करते हैं तो आपको 16 साल की उम्र में ही बालिग समझ दिया जाएगा, तो अब इस गलती में मत रहिएगा। अब अगर आप बहुत बड़ा जघन्य अपराध कर देते हैं ना, 16 साल से आपको क्या मान लिया जाएगा, मतलब छोटे मोटे अपराध में नहीं, बड़े अपराध जैसे रेप ऐसे घटना में अपराध आपको क्या मान लिया, लेकिन क्या उस लड़कों को मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस पे लगता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो, ये कानूनी भाषा है, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब इसी को हिंदी में लिख देते हैं, सजा अपराध के समय के कानून के आधार पर। सजा कैसे मिलना है? सजा अपराध के समय के कानून के आधार, अरे वही चीज है जी, सजा अपराध के समय के कानून पर, जो उस समय का कानून था, उसके पहले या बाद में आप उसे सजा नहीं दे सकते। किसी को कोई दिक्कत नहीं?